हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्लास प्लस वन चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4 का डी। तो आपका क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2010 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रामाराव वाज टेकन आउट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो आपके पास डेफिनेशन दिया है प्लांट एंड मशीनरी पे, डेफिनेशन प्लांट एंड मशीनरी के साथ मतलब प्लांट एंड मशीनरी में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इस प्रकार से फिक्चर पे, फिक्चर एंड फिटिंग पे भी दिया है, तो 10% जो है फिक्चर एंड फिटिंग में से लेस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2.5% ऑन सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स के साथ दिया है, तो इसमें भी डेटर में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, तो इंश्योरेंस प्रीपेड दिया है, तो इसके साथ भी एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस से लेस। और आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी के साथ एडजस्टमेंट दिया है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास दिया है, फिर फर्नीचर फिक्चर दिया है, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर दिया है, ऑफिस सैलरी लाइटिंग फैक्ट्री वेजेस रेंट रेट एंड टैक्सेस ऑफिस एक्सपेंसेस कैरेज ऑन परचेज डिस्काउंट ड्राइंग ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिलेटन इंश्योरेंस ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस कैरी ऑन सेल कैश एट बैंक कैश इन हैंड सन्डी डेटर परचेज क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट बैलेंस दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट रामाराव कैपिटल दिया है सेल्स दिया है सन्डी डेटर्स दिए हैं परचेज रिटर्न दिया है और बिल्स पेबल्स दिया है। तो इस प्रकार से आपके पास एडजस्टमेंट दिए हैं। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन करने से आपको और अधिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, तो आप सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स रामाराव फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। इसी प्रकार से बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स रामाराव एज ऑन 31st मार्च 2010, लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, एसेट अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो प्लांट एंड मशीनरी दी है, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी आप एसेट साइड लिखेंगे, तो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी दी है, प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो असेट साइड दिखाई जाती है, तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास दी हुई है जी 55,000 आपके पास प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। इसमें से आपने लेस करना है डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे जितना भी अमाउंट होगा 55,000 का। उसके बाद आपके पास दी है फिक्चर एंड फिटिंग, फिक्चर और फिटिंग आपके पास दिया है, प्लांट एंड मशीनरी के पास फिक्चर एंड फिटिंग्स दिए हैं, तो फिक्चर एंड फिटिंग्स भी आपके पास दिए हैं 1,720, जिसमें भी आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा और जो आपके पास आएगा उसको ऑटो कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपके पास दिया है फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, तो फैक्ट्री एंड फ्यूल एंड पावर से पहले, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, यदि ओपनिंग स्टॉक दिया है तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक आता है। उसके बाद इसमें आप परचेज लिखते हैं टू परचेज, परचेज में से आप लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड की संख्या देते हैं, फिर आप लिखेंगे ये फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, टू फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, तो फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर आपके पास दिया है, ये आपके पास दिया है जी 392 आप फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर दिया है। उसके बाद फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर जो आपके पास दिया है, सॉरी वो दिया है 542, ये आपके पास दिया है 542। उसके बाद आपके पास दिया है ऑफिस सैलरी, तो आप लिखेंगे टू ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है, तो आप इनर कॉलम में लिखेंगे टू ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी आपके पास दी हुई है, जो ऑफिस सैलरी आपके पास दी है उसको लिखेंगे, तो ऑफिस सैलरी आपके पास दी है 3,745। इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड जो इसमें की जाएगी वो आउटस्टैंडिंग ऐड की जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी जो जितनी भी इसका अमाउंट होगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास लाइटिंग दी है, तो टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री की आपके पास लाइटिंग दी है,
तो फैक्ट्री लाइटिंग आपके पास दी है जी 392, ये फैक्ट्री लाइटिंग दी है आपके पास 392। उसके बाद आपके पास वेजेस दी है 2 वेजेस, वेजेस आप इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि वेजेस का एडजस्टमेंट दी है। तो वेजेस आपके पास दी है 9915, इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस होगी वो ऐड करेंगे और ऐड की जाएगी, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो दी है रेट एंड रेट रेट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेट एंड टैक्सेस आपके पास दिए हैं, ये दिया जी आपके पास 1915। रेट एंड टैक्सेस के पास आपको बाद आपको आपको दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं जी 2778। उसके बाद आपके पास दिया है टू कैरीज, कैरीज आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, तो कैरिज आपके पास दिया है, कैरिज ऑन परचेज जिसको आप बोल सकते हैं, कैरिज ऑन परचेज जिसको आप कैरिज इनवर्ड भी बोलते हैं, कैरिज ऑन परचेज आपके पास दिया है 897। कैरिज ऑन परचेज के बाद आपके पास अगली आइटम दी है डिस्काउंट, डिस्काउंट आप सभी जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डिस्काउंट जो डिस्काउंट है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे 422। उसके बाद डिस्काउंट के बाद आपके पास दिया है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आप सभी जानते हैं कैपिटल में से लेस, तो आप सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में से फिर आप लेस ड्रॉइंग करेंगे, कैपिटल में से आप लेस करेंगे ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग आपके पास है वो है जी 6820, इसको आप लेस करेंगे। उसके बाद ड्रॉइंग के बाद आपके पास जो दिया है वो दिया है जी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास दी है 21725। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपके पास दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं 2680, 2680 आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। उसके बाद सेल रिटर्न दिए है, तो बाय सेल और लेस रिटर्न, रिटर्न इसको आप बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, तो सेल के बाद रिटर्न इनवर्ड दिया है 7422, या आप इसमें से लेस करेंगे। रिटर्न के बाद आपके पास दिया इंश्योरेंस, तो आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस जो है इसके साथ भी एडजस्टमेंट दिए, तो टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो आपके पास दिया है वो दिया है 570, 570 इंश्योरेंस दिया है, इसमें से लेस करना है आपने प्रीपेड, प्रीपेड जो आपके पास अमाउंट दिया होगा उसको आप लेस करेंगे और उसकी फिर डबल एंट्री करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद आपके पास दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो उसके बाद आपके पास दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, ये दिया है 925। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद दिया है टू कैरिज ऑन सेल, टू कैरिज ऑन सेल, टू कैरिज ऑन सेल भी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाएगा, कैरिज ऑन सेल आपके पास दिया है 960। तो कैरिज ऑन सेल के बाद आपके पास अगली आइटम भी है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी जो है आप असेट साइड दिखाएंगे, तो आपके पास कैश एट बैंक दिया है, कैश एट बैंक आपके पास दिया है जी 2245, और कैश इन हैंड आपके पास दिया है, कैश इन हैंड आपके पास दिया है जी 68, तो 68 आपके पास कैश इन हैंड दिया है। उसके बाद कैश इन हैंड के बाद आपको बता दिया सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में आप सभी जानते हैं कि एडजस्टमेंट है, तो आप सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे यहां पर, सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स आपको पास दिए हैं 47800, 47800, इसमें से आप लेस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स, लेस करेंगे इसमें से आप रिजर्व फॉर बैड डेट्स, फॉर बैड डेट्स जो आपके पास राशि आएगी उसको आप लिखेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स के बाद आपके पास परचेज है, तो परचेज आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, तो परचेज आपके पास दी है 66710। परचेज के बाद आपके पास दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की मात्र सिंगल एंट्री जो असेट साइड होगी, आप सभी जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है
वो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, तो इसकी मात्र और मात्र सिंगल एंट्री होगी और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 16,580। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपके पास दिया क्रेडिट बैलेंस जिसमें रेंट आउटस्टैंडिंग दिया, इसकी डायरेक्ट एंट्री जो है बैलेंस शीट में होगी। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्योंकि जो एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर थी उसकी आप सिंगल एंट्री करते हैं, तो ये आपके पास 150। उसके बाद रामा राव कैपिटल, कैपिटल जो आपके पास दी है वो दी है जी, कैपिटल दिए 93,230। इसमें से आप ये ड्राइंग कटा देंगे 6,820, तो आपके पास आएगा 86,410। उसके बाद आपके पास सेल दी है, तो सेल जो आपके पास दी है वो दिए 1,26,117। तो आपके पास जो सेल दी है वो दिए जी 1,26,177। इसमें से इसको कटाएंगे तो आपके पास आएगा 1,18,755। ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये आपके पास सेल आ गई जी। उसके बाद सेल के बाद और कोई आइटम इसमें इसमें है नहीं। उसके बाद सेल के बाद आपके पास ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो आपके लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो वैल्यू दी है वो दी है 22,680। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आपके पास दिया है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न परचेज में से लेस ये आपके पास दिया है 3,172। इसको लेस करने के बाद आपके पास आया 63,538। उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद आपके पास दिए हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड, तो बिल्स पेबल आपके पास दिए हैं। बिल्स पेबल की आप एंट्री करेंगे, ये आपके पास दिए हैं जी 6,422। तो ये भी लिख दिया जी आपने बिल्स पेबल। उसके बाद आपने डबल एंट्री करनी है हर चीज की, तो सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो ये आपका 55,000 का, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं 55,000 का 5%, तो ये आपको आया 2,750। तो 2,750 जब आप इसमें से घटाया लेस डेप्रिसिएशन 55,000 का कितना परसेंट जी 5%, दैट इज 5% 5/100, तो ये आपके पास आया 2,750 और ये अमाउंट आपके पास आया 52,250। फिर आप फर्नीचर एंड फिक्चर के आपको 10% दिया, इसकी भी आप डबल एंट्री कर लेंगे पहले टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 2,750। ये कैसे आया जी 55,000 का 5%, दैट मीन्स कि इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया। अगर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर पे भी डेप्रिसिएशन है 10%, दैट इज 172, तो इसको कटाने के बाद आपको पास आया 1,548। इसकी आप डबल एंट्री करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, ये आपके पास आया 1,720 का 10%, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास आया 172। तो इस प्रकार से आपने ये फर्नीचर एंड फिक्चर का डेप्रिसिएशन कटाया। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जो 2.5% है, तो 47,800 का, दैट मीन्स की 47,800 का 2.5/100 जो है आपने परसेंट किया, तो ये आपके पास आया 1,195। और इसको कटाने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 46,605। इसकी आपने डबल एंट्री करी टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये आपके पास आया जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स आपके पास आया 1,195। इस प्रकार से आपने इसको दिखाया रिजर्व फॉर बैड डेट्स को। रिजर्व फॉर बैड डेट्स के बाद आपके पास जो है वो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है, तो लेस किया आपने इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड जिसको आप प्रीपेड बोलते हैं 70 रुपीज, और इसको आपने आउटर कॉलम लिखा 500 और इंश्योरेंस की आपने डबल एंट्री करी, दैट मीन्स की इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस जो है आपका वो प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड था आपका 70 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीपेड के बाद आपके पास जो अगली एंट्री आउटस्टैंडिंग वेजेस की है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने ऐड करी, तो सबसे पहले तो आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस में लिखा ऐड करके, तो आउटस्टैंडिंग जो वेजेस थी आपकी वो थी जी 800, तो 800 आपने इसमें ऐड करी, और ये ऐड करने के बाद ये आपके पास आई 10,715।
और इसकी आपने डबल एंट्री करी, दैट मीन्स की आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने लिखी, वेजेस ये आपके पास आई जी 800। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद आपने अगली एंट्री करी, आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद आपने अगली एंट्री करी, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद आपके पास ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपके पास 350 आपने इसमें जोड़ा तो आपके पास आया 4095। और इसकी भी आपने एंट्री करी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपके पास थी वो जी 350। तो इस प्रकार से आपने चेक किया कि आपने सभी की डबल एंट्री कर दी, यदि सारी एंट्रियों की आपने डबल एंट्री कर दी, और डबल एंट्री करने के बाद आप अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का आपने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आया, और ये आपके पास आया 118,755। यहाँ पर भी आ जाए 118,755, और जो आपके पास आया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैरी डाउन किया, डेट मीन्स की ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपके पास आया 18,266। और यहाँ पर आपने लिखा बाय क्या जी, ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रोस, फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो क्रेडिट साइड लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 18,266, इसका टोटल किया 18,266, और डेबिट साइड भी उतना ही 18,266। आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर हो आया 2,554, इस नेट प्रॉफिट को आपने कैपिटल में ऐड कर दिया 2,554, तो आपके पास आया 88,964। फिर बैलेंस शीट का टोटल किया, और बैलेंस शीट का टोटल करने के बाद आपने देखा कि दोनों साइड का टोटल जो आपस में बराबर आया, दैट इज 1,19,366 एंड 1,90,366। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।